एसटीवी न्यूज 24 रखे बुलंद आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल की तहसील चंदौसी के कस्बा नरौली के जंगलों में मंगलवार की सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दिन निकलते ही हुई इस मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान एक बदमाश के साथ ही एक पुलिसकर्मी को भी गोली लग गई। इसके अलावा बदमाश के दो अन्य साथी भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 1.25 करोड़ रुपए कीमत की स्मैक, एक स्विफ्ट कार, अवैध तमंचे भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि जनपद संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक जायसवाल के कुशल निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को थानाध्यक्ष बनियाठेर रविंदर सिंह, सर्विलांस प्रभारी सुंदरलाल, एसओजी प्रभारी मनोज वर्मा, उप निरीक्षक योगराज सिंह, रत्नेश कुमार, विनोद कुमार की संयुक्त टीम ने बदमाशों से पुलिस के साथ मुठभेड़ को अंजाम दिया, जिसके बाद बदमाश अरविंद, विनोद, अजय कुमार नई दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि ये लोग बरेली एवं बदायूं बॉर्डर से इसमें खरीद कर दिल्ली ले जाते थे और सुल्तानपुरी, अमन विहार, मंगोलपुरी एवं किरारी सुलेमान नगर में जगह जगह इसको बेच देते थे। इसके बाद में मिली हुई धनराशि को आपस में बांट लेते थे। ZTV न्यूज 24 के लिए अशरफ अली की रिपोर्ट। ये आज सुबह थाना बनियाठेर के अंतर्गत पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी रोड पर, तो इसमें SHO बनियाठेर और SOG की टीम के द्वारा एक संदिग्ध गाड़ी को रोका गया। तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पुलिस की तरफ से जो फायरिंग की गई उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, इसकी वजह से घायल है। जो इसमें इन्होंने भागने की कोशिश की तो इनको पास में खेत में दौड़ाकर पकड़ लिया गया। ये एक दिल्ली नंबर की स्विफ्ट गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर, इसकी तलाशी ली गई। तो इसमें इनके पास में से एक पैकेट मिला है जिसकी जो प्रारंभिक जो चेकिंग की गई है उसमें इन लोगों से पूछताछ में पता चला है कि ये स्मैक है। इसकी मात्रा लगभग इन लोगों के द्वारा बताई गई है कि 1.25 किलो है, जिसकी काला बाजार में कीमत, अनुमानित जो कीमत होती है वो लगभग 1.25 करोड़ रुपए होती है। इसको केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा जा रहा है। इस कार्रवाई में हमारा भी एक सिपाही को गोली लगने की वजह से घायल हुआ है। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पूरी गाड़ी की द्वारा से तलाशी ली जा रही है और साथ में इनके मोबाइल और इन सब की चेकिंग करते हुए इनके जो नेटवर्क है उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इसमें आगे जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। कितनी कीमत की है सर, बताइए। जो ये जो अपराधी पकड़े गए हैं इनका कहना है कि ये जो स्मैक इनके पास में है इसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपये। कितने लोग फरार हैं सर? तीन लोग थे, तीनों पकड़ लिए गए हैं, एक घायल है, दो को खेत में दौड़ा के पकड़ लिया गया है। ये दिल्ली के रहने